बताई, सिर्फ जब आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन खत्म कर लो, जब आप पूरे दिन का टास्क खत्म कर चुके हो, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन खत्म कर चुके हो, तब आप अपने जो एक्स्ट्रा एक दो घंटे बच रहे हैं उसमें आप ये एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। करना चाहिए, बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया। बट याद रखना कि स्टडी सबसे पहले है, पहले अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद सब बाद में है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको बताया तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी मत नहीं कर लो, प्लीज आप इन सब चीजों में नहीं, पढ़ाई मतलब दिन में मान लो आपने सोचा था कि मैं 100 केमिस्ट्री के 100 फिजिक्स के और 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा, तो ये जब कर लिया फिर आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं तो चलो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। कमाने के तरीके बहुत सारे बता दिए, और छोटी छोटी वीडियो बना के, माइक्रो वीडियोस बना के कमा सकते हो। एक लड़का है मेरा ही स्टूडेंट रहा हुआ है, वो आजकल बहुत अच्छा कमा रहा है, उसने लास्ट मंथ की उसकी इनकम है 4 लाख रुपए 1 महीने की, बाय द वे। अब डरो मत, हमने जाओ पहली वीडियो बनाओ, अपनी खुद की फर्स्ट वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, फ्री में ही होते हैं। कौन यूट्यूब के चैनल के कौन से पैसे लगते हैं, यूट्यूब आपसे पैसा नहीं लेता, इंस्टाग्राम पैसा नहीं लेता, अकाउंट में जाओ अपनी वीडियो डालना शुरू करो। भाई आप मान लो 100 वीडियो में गंदे दिख रहे हो, 100 वीडियो करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, 101वीं में तो अच्छे दिखोगे। मैं कौन सा अच्छा दिखता था, मेरी शुरू की वीडियो देख लोगे तो अच्छी इतनी गंदी वीडियो, लेकिन इंप्रूव करते करते आज मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं, ऑलमोस्ट छोटी वीडियो माइक्रो वीडियोस 800 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, 800 वीडियो। तो जब शुरू के 5-7-10 वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, फिर मैंने इंप्रूवमेंट की, करता 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 आज यहां पर पहुंच गया, मेरे वीडियोस वायरल होते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं। कल एक बच्चे ने बताया ट्रेंडिंग में, हाँ मैं ट्रेंडिंग में था कल। सो फाइनली मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, कीप दिस इन माइंड, मनी शुड नॉट शेप योर करेक्टर, मनी ठीक है आपके करेक्टर को शेप नहीं करना चाहिए, इट शुड जस्ट यूज्ड एज अ टूल टू सर्वाइव, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि बस पैसों के पीछे पागल हो जाओ, लेकिन इतना तो कमाना सीख ही लो।